खबर की ओर। आपको बता दें, जयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकतर कार्यों पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सवाल खड़े कर दिए। मंत्री ने आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों का निरीक्षण कर पहले अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और इसके बाद स्मार्ट सिटी कार्यों के रिव्यू करने की बात कही। मजेदार बात यह है कि मंत्री के दौरे के दौरान बाजारों में कई अव्यवस्थाएं भी खुलकर नजर आई। पेश है एक खास रिपोर्ट। एक्शन में धारीवाल, स्मार्ट सिटी कार्यों पर मंत्री नाराज, दौरे के बीच में अधिकारियों के लिए जमकर क्लास। किशनपोल बाजार के कार्यों पर जताई नाराजगी, बरामदों से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। पूर्व सरकार में हुए उद्घाटन कार्यों पर भी कसा तंज, बाइसाइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट को बताया पैसे की बर्बादी। सूबे के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल लगातार एक्शन में है। द्रव्यवती नदी और रिंग रोड की स्थिति देखने के बाद आज धारीवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। विभागीय अफसरों के साथ मंत्री ने किशनपुर बाजार से अपनी दौरे की शुरुआत की। इस दौरान कई अव्यवस्थाएं सामने आई। मंत्री धारीवाल ने किशनपुर बाजार में फुटपाथ टाइल्स और ग्रीन पट्टी के काम को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। मंत्री ने सख्ती से किशनपुर बाजार से इन टाइल्स को हटाने के निर्देश दिए। निश्चित तौर पर बरामदे खाली होंगे, विद इन 7 डेज सारे बरामदे पर कोई एनक्रोचमेंट बिल्कुल खाली होगा, और अगर सामान मिल गया तो जब तो होगा सामान, और सामान छूटेगा नहीं। इस दौरान मंत्री जब छोटी चौपट पहुंचे तो वहां गंदगी और बरामदों में अतिक्रमण देखकर भड़क गए और एक सप्ताह में जयपुर के बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दे दिए। इसके बाद मंत्री शांति धारीवाल पैदल ही चौगान स्टेडियम पहुंचे, जहां पार्किंग स्थल का जायजा लिया। साइकिल शेयरिंग क्या हुआ? साइकिल शेयरिंग का हुआ क्या? कुछ गया कोई एक साइकिल लेकर के? इस तरीके के कई प्रोजेक्ट हैं। देश के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज जयपुर में स्मार्ट सिटी कार्य का अवलोकन कर रहे हैं। हम मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गणगौरी बाजार है, वहाँ पर खुद यूडीएच मंत्री और दो विधायकों के साथ अधिकारियों के साथ पैदल निकल रहे हैं और स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य चल रहे हैं उनका जायजा ले रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत अजमेरी गेट से की, इसके बाद किशनपुर बाजार होते हुए छोटी चौपड़ और चांदपुर बाजार का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जमकर डांट भी लगाई। इस दौरान उन्होंने बरामदों को खाली कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। मंत्री ने खुद हर एक चीज को बारीकी से देखा है यहाँ पर, और खास बात यह है कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी का जो कार्य चल रहा है, चाहे जयपुर में चल रहा हो या प्रदेश के अन्य 3 जो शहर हैं जो कि स्मार्ट सिटी बनने वाले हैं, उनके कार्य को लेकर भी असंतोष जताया है, अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। यानी एक्शन में यूडीएच मंत्री ने दौरा शुरू कर दिया है और निरीक्षण शुरू कर दिया है, यानी स्मार्ट सिटी का कार्य अब किस गति से आगे बढ़ेगा ये देखना होगा, लेकिन यूडीएच मंत्री अब एक बार फिर एक्शन में है। दौरे के चलते विधायक महेश जोशी, अमीन कागजी ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को स्मार्ट सिटी कार्यों में जनप्रतिनिधियों की सलाह लेने के लिए ताकीद किया। हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी में जो काम टेकअप किए जा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हो, और उसमें इस तरह के काम हो जो जनता को सुविधाजनक हो। जैसा कि बताया गया है कि अभी चांदपुर मार्केट का काम चल रहा है, हमने उसमें एक टाइम बाउंड पीरियड दिया है। अभी हम सब लोगों ने मंत्री जी से आग्रह किया कि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को, क्योंकि वहां के व्यापार मंडल ने हमें सहमति दी है कि वो एनक्रोचमेंट नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, विधायकों की ये शिकायत है, इनकी इनसे कंसल्टेशन करना चाहिए। आखिर ये जनप्रतिनिधि हैं, जनता को तो इनको जवाब देना है। अफसर क्या है? अफसर तो एक में साल रहेगा, 2 साल रहेगा और चल देगा, दूसरा अफसर आ जाएगा। कंसल्टेशन तो जनप्रतिनिधियों के साथ होना चाहिए। बहरहाल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने स्मार्ट सिटी के कई कार्यों पर सवाल उठाए तो कुछ कार्यों की सराहना भी की, लेकिन मंत्री ने साफ कर दिया है कि अब बिना समीक्षा और बिना जनप्रतिनिधियों की सलाह के स्मार्ट सिटी का कोई भी नया काम हाथ में नहीं लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज़।